बोरिंग टू टेक ऑल ऑफ योर doubts बी फास्ट फटाफट से सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए सब लोग अपना माइक को ऑफ रखना टू बी अ वन टू वन सेशन मैं वन टू वन सेशन ले नहीं पाऊंगा जब तक आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे बिकॉज जो सेमिनार है जो काउंसलिंग सेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब uh, पे डाला हुआ है राइट सो दिस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड लाइक आपका क्या एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम uh, है एंड उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ओके सो टू स्टार्ट माई नेम इज प्रवीण पटवारी एंड आई स्टार्टेड दिस कोर्स ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन ईयर्स बैक एंड आई हैव क्लियर ट्वेल्व एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द रेस्ट इन दिस ईयर होपफुली आई क्लियर द नेक्स्ट थ्री पेपर्स पहले इस कोर्स में फिफ्टीन पेपर्स होते थे बट अभी जो नया करिकुल आया है उसमें देर आर थर्टीन एग्जामिनेशन ओके तो जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा ऑलरेडी एक काउंसिलिंग सेशन डाला हुआ है राइट तो आज का हमारा जैसे हमने इनपुट्स लिए हैं तो uh, उन इनपुट्स के बेसिस में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हो लाइक देर इज अ हैंड रेस फीचर इन गूगल मीट सो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हो एंड वॉट एवर क्वेरी पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग सबका बैकग्राउंड बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन यू ऑल कैन टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ करेंटली आप लोग क्या कर रहे हो एंड आपका इंटरेस्ट क्या है सो दैट वी कैन हेल्प यू बेटर सो वी आर गुड टू गो नाउ आप लोग हैंड रेस करके वन बाय वन क्वेश्चन पूछ सकते हो

paridhi gupta yes hi paridhi gupta i had this thing that everyone has this opinion that india may actually has a really restricted scope like it's only okay. is an insurance so could you throw okay. some light on it definitely definitely like paridhi what are you doing currently and what is your background i'm in grade 12 commerce with maths okay and you belong from i'm from surat gujarat okay okay so see paridhi like to throw some light Uh, हम लोग कहाँ पर काम करते हैं राइट right? तो डेफिनेटली ट्रेडिशनली इंश्योरेंस में ही हम लोग का एम्प्लॉयमेंट था बट ये जो बात है दिस इज समथिंग सेवन टू एट इयर्स ओल्ड और इवन बिफोर दैट का कहानी की खाली लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंस ये सब फील्ड में हम लोग को एम्प्लॉय किया जाता था बट आज के दिन पे अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाना चाहूंगा सबसे पहले जो एक नॉन ट्रेडिशनल रोल आ रहा है एक्चुअली वो है फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में लाइक like, आप जब बैंक में जाते हो सो वॉट एवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू सी जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोलेंगे सर देखिए ये हमारा एक रेकरिंग डिपॉजिट है ये फिक्स डिपॉजिट है ये हमारा इंट तो कोई भी टाइप का अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर एक बैंक ऑफर कर रहा है तो उसके पीछे का जो पूरा मैथ्स है वो इस कोर्स में कैप्चर्ड है तो बैंकिंग में जैसे कि आप लोग जानते हो 2006 एंड 7 में एक क्रेडिट क्राइसिस हुआ था यूएस में जो कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया था उसका मेन रीजन ही ये था कि सब प्राइम लोगों को लोन्स दिए जा रहे थे व्हाट इज सब प्राइम आज जैसे मान लो आपका इनकम है वन लाख आपका इनकम है वन लाख रुपीज ठीक है तो अगर आपका एक लाख रुपए का इनकम है आपको वो लोग पांच करोड़ का लोन दे दे रहे हैं। आपका ई चुकाने का हैसियत ही नहीं है और आपको ई एम आई इतना ई एम आई फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली ई एम आई आ रहा है दो लाख तीन लाख एंड अल्टीमेटली लोगों ने डिफॉल्ट किया okay. तो जब लोग डिफॉल्ट करने लग गए तो वहां पर एक रिस्क वाला फैक्टर आया जैसे क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। आज आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको उसको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा राइट तो आप उसको पैसा नहीं चुका पाए ये है एक टाइप का क्रेडिट रिस्क ठीक है तो बैंक्स में आज के दिन पे इतना रिस्क बढ़ रहा है इतने सारे फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिस्क ऑफिसर्स है वो हमारे जैसे लोग होंगे जिनको रिस्क प्रॉपरली मैनेज करना आता है तो बैंकिंग सेक्टर में है प्लस जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे हो गे यहाँ पर एक ब्रिज गिरने का फोटो मैंने डाला है राइट सो so, मेरे को मेरे को ब्रिज गिरने से कोई मतलब नहीं है मेरे को ये मतलब है कि अगर कोई कैटेस्ट्रॉफी आता है फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ जाना या फिर फॉर uh, एग्जाम्पल बारिश का ना होना या फिर कोई कंट्री टेक ओवर जैसे तालिबान ने अभी किया है या फिर मान लो uh, कोई टाइप का अर्थक्वेक कोई ब्रिज गिर जाना टेररिस्ट अटैक हो जाना तो इन सब जो चीजें हैं इन सब के पीछे क्या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ठीक है इन सब के पीछे क्या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बेसिकली उनको uh, हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू प्रोबेबिलिटीज एंड उनको कैसे रोका जा सकता है बेसिकली उनका इंश्योरेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है ठीक है अगर आप किसी को एक वर्ड बोलते हो डेंटल इंश्योरेंस तो वो नहीं समझेगा कि इंसान के दांतों का भी इंश्योरेंस हो सकता है बट फॉरन में ऑलरेडी इट इज अ वेरी डेवलप मार्केट तो इंडिया में इंश्योरेंस का पेनीट्रेशन आज के दिन पे बहुत लो है बहुत ज्यादा हाई एम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है ठीक है इस इस क्योंकि इस क्योंकि फील्ड में बिकॉज हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं एस्टिमेशन करते हैं आज जैसे हर कंपनी के पास में बहुत सारा डेटा है आज जैसे आप आप वॉलमार्ट का example ले लो सिंस बिलोंग फ्रॉम सूरत आप अगर कभी मुंबई विजिट किए होंगे तो वहां पर डी मार्ट बोल के एक चेन स्टोर है तो डी मार्ट डी yeah. मार्ट आप देखोगे पूरे मुंबई में फैला हुआ है लाइक डी मार्ट इस तरीके से बिजनेस करता है कि उसके कौन से रैक में कौन सा सामान रहेगा ताकि उसका सबसे ज्यादा सेल्स हो तो एनालिटिक्स में भी हम लोग हैं फिर उसके बाद में आप पेटीएम का एग्जाम्पल ले सकते हो पहले इंसान का फ्लाइट टिकट और मूवी टिकट का इंश्योरेंस नहीं होता था आज जैसे मान लो आपका मूवी टिकट भी आजकल बहुत महंगा आता है फॉर एग्जाम्पल आपने एक हजार रुपए का मूवी टिकट बुक किया पांच लोगों का तो आपका पांच हजार रुपए का खर्चा हुआ बट अगर लास्ट मोमेंट जाके आपको ये पता लगता है कि आपको मूवी Uh, आप मूवी नहीं जा पा रहे हो तो आपका तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया बट पेटीएम आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है बोलता है आप सौ रुपया पर पर्सन के हिसाब से पैसा दो एंड अगर आप लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन भी करते हो तो बेसिकली हम लोग आपको आपका पूरा पैसा वापस देंगे सेम फ्लाइट टिकट ट्रेन टिकट तो इस तरीके से इंश्योरेंस का नॉन ट्रेडिशनल जगहों पे भी जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो आज जैसे मान लो नॉर्मली पहले मोबाइल फोन आता था दस हजार का बट आज के दिन में मोबाइल फोन डेढ़ डेढ़ लाख का भी आने लग गया है उसके बाद में मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग बताया आज जैसे मान लो दो आदमी है एक नीरव मोदी और एक मुकेश अंबानी आप डेफिनेटली पैसा मुकेश अंबानी को दोगे बिकॉज उसका जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो बहुत ज्यादा है आप जब थोड़ा सा आगे जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप लोग को एक, एक वर्ड बहुत यूज में आता है विच इज वन सिबिल स्कोर

बोलने का मतलब ये है कि हम लोग उन्ही लोगों को लोन देंगे जो लोग का चुकाने का औकात हो जिनका कैपेसिटी हो तो बेसिकली उन लोगों को सिलेक्ट कैसे करना तो वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस में वो लोगों को सेलेक्ट करूंगा तो बेसिकली वो क्रेडिट रेटिंग होते हैं आज जैसे मान लो मैं छोटा मोटा अमाउंट का बात नहीं कर रहा आज दस करोड़ का लोन चाहिए तो ना दे दोगे आप पहले चेक करोगे की वो लोन किस काम के लिए मैं यूज करने वाला हूँ वो लोन का पर्पज क्या है मैं मैं फॉर uh, एग्जाम्पल मैं आपको पैसा कब चुकाऊंगा मेरे पास्ट में क्या हैं मेरे मेरा क्या औकात है लोन चुकाने का मेरे कंपनी का प्रॉफिट क्या है आप सब चीज चेक करोगे एंड देन यू विल ग्रांट मी द लोन मेरा इनकम मेरा इनकम टैक्स का रिपोर्ट आप लोग चेक करोगे तब जाके आपको लोन देंगे तो बेसिकली ये सब जो नॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं इनके लिए प्रॉपर रिस्क ऑफिसर्स डेगेट करे गए है जहां पर हमारे जैसे लोग काम करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में जैसे आप देखोगे स्टॉक मार्केट्स उसके स्टॉक uh, मार्केट्स में क्या होता है बेसिकली वी कैन अप्प्लाई अवर नॉलेज प्रॉपरली एंड वी कैन प्रेडिक्टाउ स्टॉक कैन परफॉर्म थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है आज जैसे मैं कंपनी का पूरा रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ मैं कंपनी का पूरा चार्ट स्टडी कर रहा हूँ मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूँ कंपनी आज जैसे मान लो कोविड के टाइम पे क्या हुआ जो टेक की जो कंपनीज थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो कंपनीज ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने को अपडेट नहीं किया उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है तो बेसिकली आप कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो एंड उसमें आपका मार्केट शेयर क्या है ठीक है तो बैंकिंग का मैंने आपको बताया जैसे नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं हो तो एग्जाम्पल के बताना चाहता हूँ यूथ वॉट डू यू लाइक वॉचिंग एंड उसी टाइप के शोज आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं बिकॉज पहले बहुत सारा डेटा वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं हमारे आज आप कहीं पर भी जाते हो सबसे पहले आपको बोलता है कि अपना नाम नंबर मेल आईडी और ये सब सब आप पहले डाल दो तो उससे क्या होता है बेसिकली आज जैसे मैंने जब आपको गूगल फॉर्म डिजाइन किया तो मैंने उसमें वो इन्फॉर्मेशन लिया जो जरूरी था ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोग को आज के सेशन में आंसर कर सकूं ठीक है और पेंशन भी है आज जैसे आप जब काम करते हो आपका नॉर्मल आप तीस साल चालीस साल जितना भी साल काम करते हो उसके बाद आपका कोई अर्निंग नहीं होता है तो बेसिकली आप जब एम्प्लॉयड होते हो तो उस समय आपका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी कटता है ठीक है ताकि जब आपके पास काम ना रहे तो आपके पास में इतना पैसा हो कि uh, आप अपना लाइफ अच्छे से गुजार पाओ सो दैट इज बेसिकली पेंशन वैल्यूेशंस तो उसमें भी हमारे जैसे लोग काम करते तो ये पहले का बात था बट आज के दिन पे अगर आप अगर आप एक अच्छे जन से एडवाइस लेते हो जिनका मार्क्स अच्छा है एंड जिन्होंने 6 टू 7 पेपर्स क्लियर किए हैं इस कोर्स के तो आई थिंक ही विल ही विल गिव यू अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक ऑन द जॉब ऑन द जॉब पार्ट ओके थैंक यू सो मच और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जैसे मैं मैं बेसिक ज्ञान नहीं देना चाहता जैसे जो जो आप लोग के क्वेरीज है मैं डायरेक्टली उसी पे आता हूँ आज जैसे देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है तो यहाँ पर जैसे जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनीज है वो लोग तो एम्प्लॉय करते ही है उसके साथ में जो बिग फोर है जैसे आप लोग ई एन वाई पीडब्ल्यूसी केपीएम जी डिलोयट ये सारे बिग फोर हम लोग को एज अ कंसल्टेंट हायर करते हैं बिकॉज बहुत सारी कंसल्टेंसी की काम उन लोग के पास में वो लोग गैदर कर रहे हैं उसके बाद में जैसे जो ट्रेडिंग फॉर्म है बिकॉज वी आर वेरी गुड विथ नंबर तो एक्सेला है फ्यूचर्स फर्स्ट है जो हेच फंड कंपनीज है डी शो हो गया बड़े बड़े बैंक हो गए जेपी मॉर्गन गोल्ड मैन मॉगन स्टैंडली ठीक है तो ये सारी कंपनीज हम लोग को एम्प्लॉय करती है पेंशन वैल्युएशन कंपनी है मर्सर है ए है ठीक है तो ये सारी कंपनीज हम लोग को एम्प्लॉय करती है एंड रफली अगर मैं आपसे सैलरी स्केल का बात करूं तो अगर आप मान लो एज अ ग्रेजुएट अगर आप छह पेपर्स क्लियर करते हो जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा में हो सकता है कि आपको पांच छह महीना इंटर्नशिप करना पड़े बट जैसे ही आप इंटर्नशिप पीरियड को कम्पलीट करते हो ये विल बी अराउंड सेवन लाख रुपीज उसके बाद में इसमें दो टाइप का आपको इंक्रीमेंट मिलता है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर दो टाइप का आपको इसमें जैसे मान लो आपने आ, अगर आपका ये टाइमलाइन है एज अ ग्रेजुएट एज अ ग्रेजुएट इफ यू क्लियर अराउंड सिक्स पेपर्स ओके फॉर एग्जाम्पल योर सैलरी विल बी सेवन लाख ये एवरेज है हो सकता है आपका पांच लाख लग का लगे हो सकता है आपका सात से आठ लाख लग का लगे ठीक है अब आप इसमें जैसे जैसे पेपर्स एड ऑन करते जाते हो ना आपको पर पेपर वाइज इंक्रीमेंट मिलता है तो आपको दो टाइप के इंक्रीमेंट मिलेंगे एक आपका पेपर क्लियरिंग पे जो इंक्रीमेंट होता है एंड ये आपका वेरी करता है पचास हजार से लेकर केन पॉइंट फाइव तक डिपेंडिंग ऑन पेपर डिफिकल्टी अगर आप मान लो एक नॉर्मल सा पेपर फॉर एग्जाम्पल सीएम हो गया या फिर सीपी तो उसका इंक्रीमेंट रफली पचास से साठ रहता है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है पेपर टू पेपर डिपेंड करता है और एक आपका हो गया एनुअल इंक्रीमेंट ठीक है एक आपका हो गया एनुअल इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट नॉर्मल दस परसेंट या फिर मान तो आपको मिलेगा, ही मिलेगा उसके साथ साथ आपको आप सी बनते हो तो सीए बनने के बाद में आप जॉब में जाते हो राइट right? लेकिन जब आप आर्टिकलशिप करते हो जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो उस समय आपको पांच हजार पर मंथ मिलता है बट सीए बनने के बाद में आपका सैलरी हो जाता है दस लाख रुपए ऑन एवरेज ठीक है तो बोलने का मतलब ये है कि आप जब graduate होते हो, करने के लिए आपको तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्वालिफाई करने के लिए यूनिट थ्री ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तो वो जो तीन साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप जब दिखाओगे जैसे आप ग्रेजुएट हो गए आप ग्रेजुएट हो गए आप पेपर से graduate हुए। विद so, आपको तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है तो आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट तो मिल ही रहे और आपको पेपर वाइज भी इंक्रीमेंट मिल रहा है so, तो दोनों इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है टाइम यू आर फेलो

हो सकता है कि आपका समर इंटर्नशिप में दो महीने या फिर तीन महीने का कहीं पर लग जाए बट दैट इज समिंग डिफरेंट जो आपको जॉब करना है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करना है पेपर्स ओके इट विल टेक रफली अराउंड सिक्स इफ टाइम थ्री इन विद ग्रेजुएशन एंड थ्री आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू आर वेरी कंसिस्टेंट विद द पेपर्स

सो द कोर्स इज डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो पहला स्टेज में आपको सेवन पेपर्स क्लियर करना है दूसरा स्टेज में आपको थ्री पेपर्स फिर ये जो पहला टेन है ना ये कंपलसरी है ये कंपलसरी पेपर्स है ठीक है इसके बाद क्या आता है स्पेशलिस्ट स्टेज आता है फॉर एग्जाम्पल आई एम टोटली इंक्लाइन टूवर्ड्स फाइनेंस साइड तो मैं फाइनेंस के पेपर्स दूंगा मेरे को सारे पेपर्स नहीं देने हैं

ट वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा इन दल डोमेन ठीक है आज ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर मार्केटिंग का इंटर्नशिप कर लिए तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा वैसा नहीं होता है ठीक है so, you मतलब आपके पूरे न्यू करिकुलिसिकुल में हूँ आई नीड टू क्लियर फिफ्टीन एग्जाम तो मेरे बारह हो गए मेरे तीन बच्चे आपको थर्टीन एग्जाम्स देना है

You clear these three papers, ये 10 जैसे ही आपके हो जाएंगे दो पेपर देने हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस आई कैन गिव द पेपर ऑफ एस पी टू एंड एस पी फाइव और मे बी एस पी वन तो बेसिकली मैं उसी डोमेन का पेपर दूंगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ एंड आगे के जो पेपर होते हैं वो पूरे आपके वर्क प्रोसेसिस पे डिपेंड करते हैं इस कोर्स में

तो ये एक एडवांटेज है दैट यू क्वालिफाई यू बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ योर डोमेन ओके द स्पेशलिस्ट एग्जाम्स यू गिव द लास्ट थ्री एग्जाम्स बेसिकली आप चूज करते हो कि आपको कौन सा पेपर देना स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल से आप दोगे एनी टू ओके आउट ऑफ दीज नाइन पेपर्स एंड स्पेशलिस्ट एडवांस से आप दोगे एनी वन सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट दर्टीन पेपर्स इन टोटल ओके या Next question, sir. I have a question, but uh, yes. apart from this, all the content, like, yeah, sure. uh, sir, uh, as you said earlier, like uh, the companies approach us as a consultant, like they they consult us. So I have a uh, like case study situation, like if uh, I uh, I am a consultant and uh, a owner of a restaurant uh, approached me. Like the in COVID no, no, okay, times, wait. the sales of no uh, what I want to ask is uh, what is your background currently? Like, sir, I'm a student of B.Com Honors. Okay, from which college, sir? They are in college. Okay, okay, yeah. So, sir, the owner of the restaurant uh approached me as a consultant, and uh, I and uh, the owner asked me that in COVID time, the sale of the owner, uh, like of the restaurant were decreasing and the competitors were able to tackle the situation but the particular owner of the restaurant uh, approached me like i have to consult the owner uh, like how he can uh, overcome uh, this problem no that is completely fine but uh, it is nowhere related to this now like i can understand but this question might be asked to you as a case study when you're when you're giving interviews

हाँ डेफिनेटली देखो उसको मैं हल्का सा डिस्कस कर दू कितने सारे बच्चे यहाँ पर क्लास uh, ट्वेल्व से है प्लीज हैंड रेस करना अपना लाइक दे आर करेंटली अपियरिंग फॉर देर क्लास ट्वेल्व एग्जाम्स ओके 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 सो ओके देखो एक जो डिटेल्ड वेबिनार है ना हमारा वो आज इस सेशन के बाद ही आपको चला जाएगा ठीक है सो आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस कि कोर्स में क्या होता है कितने पेपर्स है ये सब का क्या है कि एक डिटेल्ड पूरा हमने बना रखा है तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बट आपके हिसाब से केटर करना इज नॉट पॉसिबल इन दीडियो सो इसीलिए हमने ये लाइव सेशन रखा है कि आपके yes नीड्स को, को सूट करेगा कि नहीं देखो जैसे वैप जनरली इज अगर मैं आपका टाइमलाइन ड्रॉ करूं तो ओके okay, जैसे वट्स नेम दक्ष सर। दक्ष so, दक्ष सो तुम मान लो अभी यहां पर हो ठीक हाँ। है अभी तुम्हारा ट्वेल्व का बोर्ड यहां पर होगा हाँ। ये है तुम्हारा अप्रैल 2022, ट्वेंटी टू ओके ट्वेंटी तो यहां पर मान लेते तुमने अपने ट्वेल्व के बोर्ड पढ़ाई ओवर हो गया सो वॉट है ही जैसे दो बॉडीज है जहां से आप लोग एग्जाम दे सकते हो जस्ट टू मेक यू क्लियर सो माइक ऑफ कर दो सो द फर्स्ट इज आई एफ ओ ए विच इज इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चरीज यूके एंड द नेक्स्ट इज आई एच इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चरीज दोनों इंस्टीट्यूट का सिलेबस एक्जैक्टली सेम है ठीक है फर्क कहां पर आता है आई एफ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है आई ए आई से ठीक है और एक्सपेंसिव कितना पड़ता है वो भी मैं तुमको बता देता हूं रफली अगर मान लो ये अगर तुम्हारा माइक ऑफ कर दो बेटा रफली अगर मान लो ये अगर तुम आई आई पे हंड्रेड रुपीज स्पेंड करते हो तो तुमको आईएफओ में एक सौ पच्चीस स्पेंड करना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एवरेज ट्वेंटी जैसे अगर आई आई में आपका पेपर कॉस्ट है रफली चौदह हजार तो आई एफ ओ में वो होगा अट्ठारह हजार तो इस तरीके के है तो रफली पच्चीस परसेंट का डिफरेंस आता है तो आपको अगर आई से पेपर में मूव करना है एज ए क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट तो आपको सबसे पहले एसीटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एसीटी एग्जामिनेशन देने के लिए पेपर का, हाँ, का ट्रेनिंग ले लेना चाहिए जैसे मान लो अप्रैल में क्या होता है अप्रैल तक आपके जो एक्चुअल एग्जाम है वो भी खत्म हो जाते तो हमारे जो फ्रेश बैचेस होंगे वो आपके मे से स्टार्ट होंगे लाइक सेकेंड वीक ओके एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं एसेट का जो डेडलाइन है एसेट का एक डेडलाइन है तो अगर आपने ये सोच के रखा है कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट से करना है तो आपको एसेट के लिए एटलीस्ट रजिस्टर कर देना है उसका भी सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के व्हाट्सएप में भेज दूंगा जैसे कल आपको इंफॉर्मेशन गया था वैसे ही आज आपको इंफॉर्मेशन चला जाएगा ठीक है तो जून में होगा आपका एसेट का एग्जाम दिस इज योर जून 22, ओके okay? तो जून 22 में आपका एसेट का एग्जाम होगा ठीक है अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट से करना है तो अगर आप आई से करना चाहते हो तो आपको कोई एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देना है आपका पहला एग्जाम आप दोगे सितंबर 22 में जो कि होगा सी एम वन का देर आर टू एग्जाम जिससे आप लोग सब स्टार्ट कर सकते हो पहला मैं आप लोग को पहले एक टाइमलाइन बता देता हूं कि व्हाट इज द प्रोसेस ओके ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए सो so, अगर आपको मान लो आई बॉडी से देना है तो आपको ये जो है ये एसेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो अभी आपको कोई टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। लेकिन अगर आपको आई आई से देना है तो आपको एसेट का रजिस्ट्रेशन करा लेना है इसका फीस होता है चार हजार रुपया ठीक है इसका फीस होता है चार हजार रुपया तो ये जो फीस है चार हजार रुपया ये आपको पेमेंट करके अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन करा लेना जैसे ही आपका अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हो आपको एक पेपर का ट्रेनिंग लेना चाहिए जैसे वो पेपर सीएम वन हो सकता है या फिर वो पेपर सी एस वन हो सकता है आइदर इट कैन बी सी एम वन एक्चुरल मैथमेटिक्स और इट कैन बी सी एस वन एक्चुरियल स्टेटिस्टिक्स सीएम so, वन में क्या कंटेंट है सीएम वन में आपका जो कंटेंट है दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वेरी इंटरेस्टिंग पेपर और सीएम वन में आप जो भी कुछ सीखोगे वो आप MS Excel पे अप्लाई करोगे एवरीथिंग आपको एकदम स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा और सीएस वन में क्या है स्टेटिस्टिक्स बेस्ड पेपर है एकदम पूरा स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है हो सकता है बहुत लोगों को इलेवन ट्वेल्व में सिखाया गया हो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल

एंड आप उसको अप्लाई करते हो आप प्रोग्रामिंग में ठीक है तो ये चीज हो गया तो अब अगर मान लो आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि जैसे ही मैं बोर्ड एग्जाम का पहले कुछ भी नहीं बोर्ड एग्जाम जिस दिन खत्म होता है उस दिन से आप लोग प्लानिंग करना स्टार्ट करो जो फ्रेश बैचेस होंगे अगर आपको सीएस वन देना है आपको सीएम वन देना है ये आपको डिसाइड करना है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आप सीएम वन देना चाहते हो और अगर आप आई आई से देना चाहते हो तो आपको एसेट की भी प्रिपरेशन करनी है और आपको सीएम वन का भी प्रिपरेशन करना है लेकिन अगर आप आई एफ ओए से देना चाहते हो आपको सिर्फ सीएम वन का प्रिपरेशन करना है ठीक है इज इट वेरी क्लियर ओके तो सेप्टेंबर में जो सीएम होगा उसके लिए आपको कोई भी मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप आई एफ ओ ए से देना चाहते हो तो ठीक है अगर आप आई एफ ओ ए विच इज द इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ यूके अगर आप आई एफ ओ ए से देना चाहते हो आपको कोई भी मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है द फर्स्ट पेपर फ्रॉम आई एफ ओ यू कैन गिव आईदर मतलब या तो आप सीएम वन दे सकते हो या फिर आप सीएस वन दे सकते हो इसके लिए आपको मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है दो आप मेंबरशिप ले सकते हो बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फर्स्ट पेपर आप एज अ नॉन मेंबर अपियर करो जैसे फर्स्ट पेपर सीएम वन पब्लिक सी एस वन एज अ नॉन मेंबर आप अपियर करो ठीक सेप्टेंबर सितंबर 22 में ओके okay? अगर आपको आई से देना है सर इसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीडियर है आपके जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके बाद में आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है जो भी पेपर आप चूज करते हो सीएम या फिर सी एस वन एंड जो एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा ऑगस्ट 22 में और आपको कुछ भी नहीं करना है आपको बोर्ड एग्जाम के बाद सिर्फ ट्रेनिंग चालू करना है एंड ऑगस्ट 22 में आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन होगा ठीक है इसके लिए आपको रफली देना पड़ेगा बीस हजार रुपया ठीक है रफली आपका जो कॉस्ट आता है पहला पेपर का एज अ नॉन मेंबर ये बीस हजार रुपया आता है ठीक है और अगर आप आई आई से देना चाहते हो अगर आप आई आई से देना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्लियर करोगे एसिट इसमें आपके लगेंगे चार हजार उसके बाद आप लोगे आई आई का मेंबरशिप उसमें आपके लगेंगे चार हजार लगभग एंड फिर आप जैसे मान लो सीएम वन का पेपर देते हो तो सीएम वन का जो पेपर दोगे उसमें आपका लगभग लगेगा चौदह हजार ठीक है तो ये चीज है एंड अगर आप एसेट में फेल हो जाते हो तो फिर आप सीएम वन नहीं दे पाओगे बिकॉज आई आई सी क्लियर कट कि आपको पहले एसेट क्लियर करना है एंड उसके बाद ही आप कोई भी पेपर आई आई से दे सकते हो एंड अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो मेंबरशिप कॉस्ट है ये खाली I. 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 में तो आप गलत हो शायद तुम गलत हो सबसे पहले देखो आई एफ ओए से नॉन मेंबर पहला पेपर दे दिया सितंबर में ठीक है? तो उसके बाद में अगर तुमको और कोई भी पेपर देना है अगर तुमको सी एस वन भी देना है ना तो भी तुमको नेक्स्ट स्टेप होगा तुमको मेंबरशिप लेना है तो आई एफ ओ ए से अगर तुम आगे बढ़ते हो दक्ष का एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है तो सितंबर 21 सितंबर 22 में तुम IFoE से CM1 दे दिया मान लेते तुम्हारा ये क्लियर हो गया तुम फिर उसके बाद क्या करोगे नवंबर मान लेते तुम IFoE से कर रहे हो ठीक है तो नवंबर 22 में तुम मेंबरशिप लोगे IFoE का जिसमें तुम्हारा लगेगा 20000 ये एक वन टाइम कॉस्ट है जो तुमको एक बार पेमेंट करना है ठीक है एक ही बार पेमेंट करना है बार-बार पेमेंट नहीं करना है अब तुम उसके बाद में अप्रैल 23 में तुम दे सकते हो सी एस वन एंड सीबीटू तो सी एस वन तुम्हारा इकोनॉमिक का पेपर हो गया, CB2 तुम्हारा का पेपर हो गया. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि तुम लोग को अप्रैल में दो पेपर देना है इसका रीजन क्या है कि सितंबर से अप्रैल में टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है तो इसीलिए आप लोग दो पेपर्स प्लान कर सकते हो वंस यूर कॉन्फिडेंट इन द कोर्स तो इस तरीके से आप देखोगे आप एक साल में अपना तीन पेपर्स प्लान कर सकते हो ठीक है तो प्रोसेस बहुत करना पड़ेगा अगर आप लोग हो, लो हो जैसे ओ में क्या है मैं आप लोग को तीन पेपर्स का एक ईयर का कॉस्टिंग बताता हूं तब आप लोग फर्क समझ में आएगा जैसे मान लो आप प्लान करते हो सीएम सी एस वन और सीबी टू अगर आप ये तीन पेपर्स प्लान करते हो तो आईईआई में आपका सबसे पहले एसेट का लगेगा चार हजार मेंबरशिप का लगेगा चार हजार और पेपर कॉस्ट आपका लगेगा लगभग चौदह हजार करके है तो इंटू टू और सीबीटू का थोड़ा कम है तो इसका आपका लगभग लगेगा बारह हजार करके इंटू वन तो ये आपका आई में आ गया कॉस्ट स्ट्रक्चर लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूं पांच सौ हजार रुपया ऊपर नीचे और यही अगर आप आई में करना चाहते हैं तो आपका इसमें आएगा सबसे पहले आप सीएम वन दोगे उसमें आपका आएगा बीस हजार फिर आप मेंबरशिप लोगे उसमें आपका आएगा बीस हजार फिर उसके बाद में आप सी वन दोगे मेंबर बनने के बाद फीस कम हो जाता है लगभग दो हजार रुपए कम हो जाता है तो अट्ठारह हजार आपका लगेगा सी वन का एंड सी टू और सी वन का फीस कम है क्योंकि ये छोटे पेपर्स में आता है सी बी वन क्या छोटा पेपर है तो इसीलिए उसका फीस कम है तो उसका फीस आपका आएगा लगभग तेरह तो ये आपका आई एफ ओ से है एक रेकरिंग कॉस्ट है वो चाहे आप आई आई के मेंबर हो चाहे आप आई एफ ओए के में वो आपको पेमेंट करना ही करना है तो वो जो रेकरिंग कॉस्ट है वो आपका आई एफ ओए में है लगभग सात हजार रुपया और आपका आई आई में है लगभग ढाई हजार रुपया ये जो रेकरिंग कॉस्ट है ये आपको दोनों इंस्टीट्यूट को ही पे करना है ठीक है माने अगर आप आई आई से करते हो तो एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू योर मेंबरशिप तो उसका कॉस्ट है ढाई हजार और अगर आप आई एफ ओ से करते हो तो सात हजार रुपए आपका रिन्यूअल कॉस्ट है तो दिस इज द प्लानिंग अब जैसे मान लो ऑर्डर क्या होना चाहिए पेपर्स का अब जैसे मान लो दक्ष ने यहां पर अप्रैल ट्वेंटी थ्री में ये दोनों भी क्लियर कर लिया तो फिर दक्ष क्या कर सकता है दक्ष सेप्टर ट्वेंटी थ्री में सी एस टू प्लान कर सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो सीएस टू के साथ में कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा फिर दक्ष अप्रैल ट्वेंटी फोर में सीएम टू एंड सी बी वन प्लान कर सकता है तो देखो तुम जब अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा दक्ष अप्रैल 24 में बाय देन तुम्हारे सिक्स पेपर्स हो जाएंगे पहले जो सेवन पेपर्स है उसमें तुम्हारे सिक्स पेपर्स हो जाएंगे फिर अप्रैल 24 से अप्रैल 25 तुम क्या कर सकते हो तुम अपना सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर सकते हो सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करने का मतलब है तुम दो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीख सकते हो जैसे तुम सीख सकते हो कोडिंग में पाइथन तुम डेटा विजुअलाइजेशन में आ, पावर बी आई सीख सकते हो तुम वीबीए सीख सकते हो तुम एसक्यूएल सीख सकते SQL, हो ठीक हाँ. है तो तुम ये सारी चीजें सीख सकते हो ताकि तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा बने तुम कॉलेज में जो इवेंट्स है तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो ठीक है और तुमको अपना लिंक इन प्रोफाइल पूरा प्रोपरली मेंटेन करना पड़ेगा तुमने जो भी इन दो सालों में पढ़ा है तुमको प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा और तुम अपने आगे का पढ़ाई जारी रख सकते हो बट आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम कोई पेपर दो जब तक तुम्हारा जॉब ना लगे ठीक है अब जैसे देखो सीबी थ्री क्या है सीबी थ्री इज वेरी इजी पेपर तो सीबी थ्री तुम समझ लो कि सीबी थ्री में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इट्स बेसिकली सिमुलेशन गेम पेपर तो इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगता है उतना ज्यादा तो सीबी थ्री तुम अपना क्लियर समझो एक तरीके से ठीक है बाकी जो तुम्हारे छह पेपर बचेंगे उनमें से जो भी एक डिफिकल्ट है, जैसे वन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो सब कुछ का पढ़ के रख सकते हो एक साल में ताकि जैसे ही तुम्हारा जॉब लगे तुम हल्का फुल्का रिवाइज किया और तुम वो पेपर दे दिया तो इस तरीके से तुम अगर प्लानिंग करते हो तो सिक्स टू सेवन पेपर्स तुम्हारे ग्रेजुएशन में एंड उसके बाद अलॉन्ग विध जॉब यू कैन क्लियर द बैलेंस पेपर इन द नेक्स्ट थ्री इस सो इट रफली टेक्स यू फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स इज ऑफ टाइम टू कंप्लीट द कोर्स इन टोटल सो दिस इज बेसिकली आइडियल थिंग ओके इसके बीच में बहुत सारी क्वेरीज आई थी विल जस्ट टेक दम वन बाय वन सर एक्चुअली मतलब अभी हाँ मैंने आई एफ एफ से मैंने सिलेक्ट किया सी एम वन में देना चाहता हूँ मैं मे से ट्रेनिंग भी स्टार्ट करता हूँ तो लाइक like, मुझे हार्ड पड़ेगा मतलब मैं जो भी मैथमेटिक्स है उसके साथ कोप अप कर पाऊंगा लाइक like... देखो इसमें आ, सबसे आ, सबसे बड़ा जो चीज है वो ये है कि कोर्स डिफिकल्ट है ठीक है कोर्स इजी नहीं है नहीं है हाँ हाँ मैंने ये चीज अगर तुम लोग दिमाग में सोच के आ रहे हो जैसे मैं एंट्री बॉक्स पढ़ रहा था उसमें बोला है कि कोर्स में बहुत पैसा है गलत बात है बहुत ही एवरेज कोर्स है जैसा फॉर एग्जाम्पल माइको फॉर मैं तुमको बताता हूं जैसे सी है जैसे सी है जैसे एम है वैसे ही एक्चरीज है ठीक है नाउ इट डिपेंड्स कि तुमको किस फील्ड में जाना है अगर तुमको बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस फाइनेंस ठीक है डेटा एनालिस्ट अगर ये सारी प्रोफाइल्स में जाना है तुम एक्चरीज में जाओ तुमको टैक्सेशन ऑडिट ये सारे फील्ड में जाना है तुम सीई में जाओ तुमको मैनेजमेंट करना है तुम एम करना कॉलेज खत्म होने के बाद में ठीक है तुमको फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालिस्ट इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है तुम CFA करो तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस कोर्स में कुछ कुछ अतरंगी है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं ठीक है कोर्स हैज गॉट अ गॉड ऑफ वैल्यू इफ यू वैल्यू द कोर्स एंड देर इज नथिंग एसेट द स्कोप ऑफ द कोर्स जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग में क्वेश्चन फेंका कि जॉब में वैसा है ऐसा नहीं है ठीक है अगर आज हम लोग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं एवरी एवरी ईयर फॉर एग्जांपल अराउंड 200 ग्रेजुएट तो डेढ़ सौ बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है बाकी जो 50 बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसमें कोर्स का गलती नहीं है उनका गलती है क्यों इन 50 बच्चों का सैंपल में क्या होता है किसी के दो पेपर्स क्लियर है किसी के एक पेपर क्लियर है किसी के तीन पेपर्स क्लियर है पेपर क्लियर है तो ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है इंटरव्यू का कॉल आ रहा है तो ढंग से बोल नहीं पा रहे क्योंकि रिवाइज नहीं कर रखा है तुमको आज के दिन पे अगर अगर एक अच्छा जॉब या फिर तुम तुम कुछ भी करना चाहते हो, कर सकता है इट्स आई ओपन थिंग यू मैंने ऐसा कोई कोर्स बना ही नहीं है जो तुमको बोले कि हाँ भाई हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट होगा ऐसा नहीं है आज तुम अगर अपने सीए जैसे अपने पापा में या फिर अपने किसी भी फैमिली रिलेटिव में फ्रेंड साइड में अगर तुम देखते हो कि वो सीए है तो तुम देखोगे सी का जो सैलरी है वो कितना स्क्यूड स्क्यूड है है मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क एक सीए है जो पांच लाख में भी काम कर रहा है एक सीए है जो पच्चीस लाख से भी स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा फर्क क्यों है ऐसा फर्क क्यों है क्योंकि डिपेंड करता है उसका कौन सा कंपनी में जॉब लग रहा है और अच्छा कंपनी में जाने के लिए तुमको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तुमको प्रॉपरली इंटरव्यू में आंसर करना पड़ेगा ठीक है सो यहां पर भी वही चीज है अगर तुम्हारे सिक्स पेपर्स में तुम्हारा अच्छा मार्क्स है तुम्हारा नॉलेज अच्छा है तुम्हारे को सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छा है तुम इंटरव्यू में प्रॉपरली बोल पा रहे हो तो तुम्हारा अच्छा कंपनी में नौकरी लगेगा एक बार में नौकरी लगेगा तुमने अच्छे से कंटेंट को रिवाइज किया है तो तुम्हारा अच्छा कंपनी में नौकरी लगेगा तो ये इस तरीके से स्कोप तुम्हारे अंदर में कि तुमने क्या किया है तीन साल में कोर्स के साथ में इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ठीक है ये चीज है सो दिस इज वन थिंग

उसके साथ आप इसको मैनेज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिन में सोलह सोलह घंटा पढ़ना पड़ेगा नो इट्स इट्स लाइक मैथ्स 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 कैसे कैसे करते हो? आप कैसे करते हो हो आपको डेली दो घंटा तीन घंटा पढ़ना पड़ता है मैथ्स को ये भी वैसा ही है एंड सारा रियल लाइफ मैथ्स है इसमें क्या ट्रिगो है ट्रिग्नोमेट्री है no. इसमें क्या कॉम्प्लेक्स लाइफ मैथमेटिक्स इज देयर एंड आपके इलेवन ट्वेल्थ से कौन कौन सा पोर्शन आपके काम में आएगा मैं आपको बताता हूँ जो लॉगरिदम वगैरह जो बेसिक्स है वो सबका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मतलब मैं कुछ आपको बोलूंगा तो आपको वो चीज समझ में आना चाहिए समझ में आने का मतलब ये है कि कि आज जैसे मैंने आपको बोला एन वन इज जीरो आप बोलोगे ये कैसे हुआ तो ये सारी जो बेसिक्स हैं ये सब है कैलकुलस अच्छे से आपको आना चाहिए कैलकुलस में जैसे आपका इंटीग्रेशन हो गया लिमिट्स हो गया ठीक है

y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशियट करना है बट यहां पर आके आप समझोगे कि दी वाई दी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x. आज जैसे मान लो अगर x में जो छोटा चेंज हो रहा है दैट इज योर dx. एक्स में छोटा चेंज होने के वजह से y में क्या चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं dy/dx. इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ठीक है आज जैसे मान लो

तो इसने 500 यूनिट्स ही बेचा ठीक है तो अब आपको निकालने ये बोला जाएगा फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि अगर मान लो इसका जो यूनिट्स में पांच का चेंज होता है तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसका प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा सो ऑल रियल लाइफ थिंग्स आर देयर अब समझ रहे हो तो इस तरीके के चीज आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे डीवाईडी एक्स निकालो उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा ऐसा नहीं ठीक है, ओके उसके बाद में बहुत सारी क्वेश्चन आ गए मैं लेता ओके करके, क्वेश्चन आई जस्ट इलाबरेट ऑन दिस सो याज आईव ऑलरेडी कि अगर आपको एंट्रेंस है आई में कोई एंट्रेंस नहीं है आप डायरेक्टली पहला पेपर कोई एंट्रेंस समझ के दे सकते हो

IFOA, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है आज जैसे मैंने देखो ये पाउंड है ठीक है तो दो ये जो है, होता है ये एंड रिन्यूअल का जो साइकिल अक्टूबर को रिन्यू होता है अब जैसे मान लो आप अभी अगर आप आई से करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो अभी आप पहला पेपर सी एज अ नॉन दे दो सेप्टेंबर में

अगर आप मान लो जस्ट आपका बोर्ड एग्जाम के बाद में आप मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा अक्टूबर में तो आपने बेसिकली सात हजार का जो खर्चा उसको आपने डेफर कर दिया ठीक है सो so, इसीलिए पहला पेपर वी रिकमेंड एज अ नॉन मेंबर क्यों क्योंकि हो सकता है आपको कोर्स समझ में ना आए आपको मैं समझ में ना आऊँ आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए कुछ और बनाए तो आप अपना मेंबरशिप का पैसा वेस्ट क्यों करना चाहते हो जब इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि पहला पेपर एज अ नॉन मेंबर दो तो व्हाट इज द प्रॉब्लम और अगर आपको आईआईसी से देना है तो आपको सबसे पहले जून में आपका एसेट होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा एंड उसके बाद में आप जाके पेपर्स दे सकते हो आई और आई का जो एग्जाम का जो मंथस uh, होता है आई uh, आई का जैसे अभी होता है मार्च में और आई का अप्रैल में एंड दोनों का ही फिर सितंबर में होता है साल में दो बार एग्जाम होता है ठीक है और पहले एग्जामेशन पॉलिसी था बट अभी कोई एग्जेपन पॉलिसी नहीं है अगर आपको आई से करना है तो पूरा आई से करना है आई से करना है तो पूरा आई से करना है ठीक है अगर आप ग्लोबल रिक्निशन का बात करेंगे तो डेफिनेटली आई का थोड़ा बहुत ज्यादा वैल्यू है वैल्यूर्ड टू ठीक है आईएंगे थोड़ा कम है आई एफ ओ का थोड़ा है ठीक है सो बेसिकली इफ अ स्टूडेंट इज परसुंग फ्रॉम आई थोड़ा स्मूथ प्रोसेस रहता है द रीजन बींग पासिंग रेट आर गुड ऐसा नहीं कि जो भी देता है पास हो जाता है वैसा नहीं है सो so, uh, मतलब आई का पासिंग रेट्स आर गुड वेन कंपेयर टू आई ठीक है सर वॉट अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुड वन चूज सो ही और कैन हैव एडवांटेज इन एग्जाम वेरी गुड क्वेश्चन सो वट आई विल कि आपको कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए इसके साथ में uh, जैसे आप क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो आपको सबसे पहले देखना है कि इको ऑनर्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे ठीक है सो इको ऑनर्स या फिर स्टैट्स ऑनर्स ठीक है तो ये दोनों कोर्स है उसके बाद में आप चूज कर सकते हो मैथ्स ऑनर्स जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एक आपका होता है दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड आपका कंप्यूटर साइंस तो लिटिल बिट कंप्यूटर्स के टूवर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो वाला कोर्स चूज कर सकते हो इट्स वेरी गुड कोर्स ठीक है अगर नहीं तो फिर आप बी या फिर बीबीए भी चूज कर सकते हो ठीक है अगर आप जैसे साइंस अभी जैसे आपको लग रहा है कि एक्चुअल साइंस है तो कॉमर्स का स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमर्स के बच्चे करते तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बीबीए लेते हो तो आप आप इसको ज्यादा टाइम दे पाओगे और अगर इको मैथ स्टैट्स लेते हो तो आपको थोड़ा सिनर्जी मिलता है सिनर्जी का मतलब क्या होता है आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और आपको जो इसमें जो पढ़ाया जाएगा थोड़ा सिमिलर लाइन्स है ज्यादा नहीं थोड़ा सिमिलर लाइन्स में तो वहां पर आपका टाइम थोड़ा मेकअप हो जाता है तो यही फर्क है हाँ अब इसमें बात आता है सर अगर मेरा कोई भी एरा गैरा कॉलेज में इको में हो गया ठीक है जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है और अगर कोई अच्छा कॉलेज में बीकॉम में नाम आया तो किसको ले तो मैं आपको हमेशा एक चीज रेकमेंड करूंगा कॉलेज अच्छा चूज करना ठीक है उसके बहुत सारे फायदे हैं कॉलेज अच्छा चूज करना अगर कॉलेज अच्छा चूज करोगे तो सर्कल अच्छा बनेगा आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा क्यों क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी अच्छी कंपनीज आती है ठीक है तो हमेशा मेरा प्रेफरेंस एक अच्छा कॉलेज के टूवर्ड में रहेगा आपका ग्रूमिंग अच्छा होगा आप कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा तो अगर आपके मार्क्स हैं ऐसे कि आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपको अच्छा आ, मतलब कॉलेज चूज करना चाहिए ओवर कोर्स बट अगर ऐसा है आपका कि नहीं मैं बीकॉम नहीं पढ़ सकता मैं बीबीए नहीं पढ़ सकती मेरे को इको ही करना है मेरे को सैट्स ही करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये चीज है फॉर कॉलेज सर आई 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 रियली लाइक मैथ्स एंड फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू डू बट डोंट नो एम ऑफ डूइंग एक्चुअल साइंस आप जब तक उतरोगे नहीं पानी में आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना गहरा है इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे सकता हूं आप सितंबर 22 के लिए ठीक है आप सीएम वन का प्रिपरेशन करो आप एक पेपर दे के देखो ठीक है आज आप ये सब क्या है सीएम वन ने फाइनेंस का पूरा बेसिक्स कैप्चर्ड है तो आप अगर इसके अलावा और कोई भी कोर्स करने जाओगे आपको ये सब से होके ही गुजरना पड़ेगा थोड़ा बहुत दाया बाया रहता है बट सी एम वन वेरी इंटरेस्टिंग पेपर आप देख के देखो अगर आपको लगता है आप पहला दस लेक्चर देख लोड करो तब तक आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा यू आर लाइकिंग दंटेंट और नॉट एंड अगर मान लेते कि आप सी एम वन का एग्जाम दे दिए उसके बाद आपको अपना मन चेंज करने का करता है कि नहीं मेरे को ये कोर्स नहीं करना तो भी क्या दिक्कत है उसमें तो नाउ यूर यंग यू कैन टेक दिस्की स्टेप बट ऐसा मन में गिल्ट लेके मत चलना कि मैंने ट्राई ही नहीं किया तो एक बार एटलीस्ट आप ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका मन है तो डेफिनेटली आप करो ऐसा डिफिकल्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वॉट इट नीड्स पेशेंस पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्यों बिकॉज हर छह महीने में आपका एग्जाम रहेगा पेशेंस क्यों क्योंकि आपको थर्टीन एग्जाम्स देने हैं

on an average for every paper just hum bolte ki cm1 is uh, comparatively tough and cb3 to aise ho jayega paper matlab mm -hmm. maan so on an average how much time will it take for each paper to give unki preparation good question good question okay so let me just go back to my uh, seminar pdf okay so aya par maine papers ka pura wo de rakha hai तो एक hours basis में मैं आपको बता सकता हूं वैसे roughly अगर आप देखोगे ना ये जो चार paper है सीएम वन सी एम टू सी एस वन तो ये चार आपके पिलर्स हैं एक जो बिल्डिंग बनता है वो चार पिलर पे खड़ा रहता है चारों तरफ में तो ये चार पिलर्स अगर आपने इसको तोड़ दिया मतलब यू आर सर्टन की आप कोई ना कोई दिन एक्चुअली जरूर बनोगे थोड़ा तो टाइम लग सकता है तो ये चार पिलर्स हैं तो रेकमेंडेड स्टडी आवर्स इज अगर आपको एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करना है रफली आपको समझ के चलिए दो से तीन महीने लगेंगे एक बार खत्म करने के लिए उसके बाद आपको दो बार रिविजन करना पड़ेगा तो ये जो चार पेपर्स हैं इनके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा फोर टू फाइव ऑफ़ टाइम आपके हाथ में होना ही चाहिए तभी जाके आप ये पेपर पे हाँ जाकर तो से पांच महीने रहेंगे दैट इज वेरी मच सफिशियंट फॉर आईम वन और सी एस वन टाइम वेस्ट मत करना टाइम वेस्ट मत वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट हर एक चीज दिखता है सीवी में कि आपने सेप्टेंबर वाला अटैम्प मिस कर दिया अगर आपके पास है वो नॉलेज है कि हाँ मेरे को करना चाहिए तो करो उस चीज को ठीक है सिमुलेशन uh, गेम थोड़े बहुत असाइनमेंट होते हैं तो सीबी थ्री इज नॉट मच ऑफ अ पेन ये आप ऑलमोस्ट समझ लो कि इट्स वेरी सिंपल सुपर डुपर इजी वैसा ठीक है उसके बाद कमिंग अगेन दीज टू पेपर्स आर इजी CP2 टू एंड सीपी बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा ठीक है प्रैक्टिस चाहिए होगा ये वाला जो पेपर है ये आपका MS Excel पे होता है बेसिकली आपको मॉडल्स बनाने होते हैं MS Excel पे ठीक है और ये जो कम्युनिकेशन का पेपर होता है इसमें आपका ये चीज चेक होता है कि क्या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो आज जैसे मान लो फॉर एक्साम्पल आई यूज मोर्टेलिटी इन फ्रंट ऑफ यू मॉबिलिटी इन फ्रंट ऑफ यू अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आई एम यूजिंग द टर्म एडवर्स सिलेक्शन आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा दीज आर जार्गन ऑफ दिस एक्चुअल साइंस कोर्स तो अगर आप कोई ले मैन को समझाओगे तो आप कैसे समझाओगे कि भाई मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमार होना सिकनेस मोर्टैलिटी का मतलब होता है मरना तो बेसिकली इजी वर्ड में क्या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अगेन सीपी वन वेरी 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 डिफिकल्ट एग्जाम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम यही है बट अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो इसको छह महीने के लिए तो आपका ये वाला पेपर भी क्लियर होगा इसके लिए जो रिकमेंडेड स्टडी आवर्स है वो रफली आपके थ्री से फोर जाते हैं और जो एसपी पेपर्स है इसमें उतना ज्यादा डिफिकल्टी वाला चीज क्यों नहीं है क्योंकि ये सारे आपके वर्क प्रोसेस पे बेस्ड होंगे आज आप लाइफ इंश्योरेंस का पेपर देना चाहते हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लाइफ इंश्योरेंस डोमेन में काम कर रहे हो पिछले एक डेढ़ दो साल से तो आपको उसका इन एंड आउट पता है बस कह आपको मैट को अच्छे से रीड करके क्वेश्चन सोलविंग करके एग्जाम देना है तो एसपी में उतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आता है बट रफली इन सब के लिए भी ढाई सौ ढाई सौ आवर्स का स्टडी आवर्स रिकमेंडेड है तो अगर आप कोई भी पेपर देखोगे ऑन एवरेज

Yeah, I'll just go through the chat. Just give me some moment. What is the name of your coaching institute? Uh, we are Actuators Educational, and you can find it uh, in all the platforms, social media, Actuators Educational Institute. Okay. Demo is available in YouTube, and you can contact me. Uh, my number is eight one double zero five Okay. आपको और information chiye, aap is number pe, WhatsApp pe communicate kar सकते Sir, if someone wants to pursue actually with C A it yes, Akanksha, I have done it.

पहले ऐसा होता था कि लोगों को उतना आइडिया नहीं था आज जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं। मेरा क्या था जब मैं से पास हुआ था मेरे को ऐसा था कि मैं जो भी डिफिकल्ट है वो करूंगा मेरा पैकेज बहुत अच्छा रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आया कि अगर सी का पंद्रह लाख है एक्चुअली का पच्चीस लाख है तो दोनों को क्लब करेंगे तो चालीस लाख का पैकेज नहीं मिलने वाला है तो आप अगर कोई भी एक चीज को पकड़ के उसमें अगर आप माहिर बनते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट डूइंग टू टू थ्री कोर्सेस मिक्स में ठीक है लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको दोनों करना डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग बट खाली एक्चरीज भी अगर आप करते हो या फिर अगर आप खाली सी भी करते हो दैट इज वेरी सफिशियंट बिकॉज आज के दिन पे टेक्निकल नॉलेज तो मैटर करता ही है उसके साथ जो मैटर करता है वो है आपका सॉफ्ट स्किल्स आज जैसे आप एम करने जाते हो आप इतना रुपया खर्चा करते हो तो एम में सबसे ज्यादा आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना कंप्यूटर्स का नॉलेज आपके अंदर पूरा रियल लाइफ थिंग पूरा लोग घुसा देते हैं इसी चीज का वो लोग इतना पैसा लेते हैं तो दोनों चीज संग में करना मतलब कोई आपका सोशल लाइफ नहीं रहेगा कम्युनिकेशन कॉलेज इवेंट में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं रहता है तो ऐसा है तो आप डेफिनेटली मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हो आई विल डेफिनेटली गाइड यू बट अभी मेरे को नहीं लगता आपको उतना सोचना चाहिए अभी आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना बोर्ड एग्जाम्स दो एंड उसके बाद में लाइक यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एक्चुअल एग्जाम्स एंड साइमटेनियसली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सी ए फाउंडेशन आपका जो एक्चुअल का जो पहला एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर एंड आपका जो सी ए फाउंडेशन होगा ग्रेड राइट नाउ एट एट वॉट टाइम शुड आई ज्वाइन द कोचिंग नो आई डोट थिंक बिफोर ट्वेल्व ज्वाइन तन मराठी ट्वेल्व के पहले हम लोग कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का कोचिंग प्रमोट नहीं करते हैं आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ट्वेल्थ का एग्जाम आपको नहीं पता आपके लाइफ मन, मन हुआ आप कुछ भी करो आपका ट्वेल्व का रिजल्ट uh, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई भी चीज करना चाहिए ट्वेल्थ के एग्जाम के पहले आई मई क्लियर इन दैट आई एम इन देंथ स्टैंडर्ड इज अर पर्टिक्युलर स्ट्रीम शुड ऑफ फॉर इन क्लास टू पर्सेली मित्र यू कैन ऑफ फॉर कॉमर्स along with mathematics or you can go with science also there is no problem there is no physics chemistry bio in this all you need to have is pure maths in your subject and if you're opting for commerce look for subjects like economics uh, commerce तो ये सब थोड़ा बहुत आपको काम आ जाएगा accounting होने से better रहता है क्योंकि आपका इसमें papers है cb one है business finance का उसमें आपको काम लग जाएगा ठीक है available okay if I go for BCA BCA से इसको कोई link नहीं है तो BCA अगर आप कर रहे हो तो ठीक है अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो BCA से अच्छा कोर्स होगा अगर आप क्राइस्ट में ट्राई करो अगर आपके पास में ऑप्शन है तो क्राइस्ट uh, का जो इकोनॉमिक्स कंप्यूटर्स एंड जो मैथ्स स्टैट्स वाला जो कोर्स है अगर आप उसमें ट्राई करते हो तो वो थोड़ा बेटर रहेगा रफली दिस वन आई हैव टेकन सो आर देयर कोचिंग्स ऑन डेली बेसिस और ऑन वीकेंड्स मतलब एक जो बैच चलता है उसका क्लासेस ऑलमोस्ट एवरी डे होता है वीक में फाइव टू सिक्स डेज होता है ठीक है नेम ऑफ यूट्यूब चैनल इज एक्चुएटर्स एडुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सर्च कर सकते हो ओके okay.

कि परसेंट रिकॉर्डिंग आपके पास में रहेंगे उसके साथ में हम लोग आपको 100% परसेंट लाइव ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टाइप ऑफ टीचिंग इट मैटर्स बिकॉज जितना भी सारा टेक्निकल नॉलेज आप लेके जाओगे वही सब आपके जॉब में काम आने वाला है वही सब आपको इंटरव्यू में काम आने वाला है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट योर मेंटर्स प्रॉपरली Uh, any contact number? Uh, I have already mentioned that. Sir, is it true? It's always better to go for CS1 as first exam because the syllabus of other subjects are derived from. It's not true. ayush wish Because ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा related है, but या तो आप CM1 दे सकते हो या फिर आप CS1 दे सकते हो. Now it depends on your interest. कि आपको अगर banking or finance पढ़ना है और आपको insurance के बारे में जानना है, तो आप CM1 से start करो. अगर आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है तो आप सी एस वन से स्टार्ट कर सकते हो ये आपका एक बेसिकली एक बोलता होगा ना कि मेरे को बैंकिंग इंश्योरेंस या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो आप दोनों का पहला क्लास का डेमो देख लो हमारे चैनल पे उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है वो भी आपका परिधिंटेज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ओवर कॉस्ट एंड द पासिंग रेट

टे विद आई एफ ओ तो आप आई एफ ओ से करिए मतलब क्योंकि जॉब में भी ऐसा नहीं है कि आप आई आई से तो okay. कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो भी चलेगांस का जो नॉलेज है sir what is the subject background and what percentage you scored in 12th and what under please let us know i i am like a commerce student and uh, I, s I am from west bengal board i scored around 91% uh, in my 12th and i chose bcom from Xavier's college kolkata because i wanted to i because i wanted to do ca and actuaries both simultaneously that is why i chose bcom okay so yeah these are the details ट एन अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर ऑल्सोड कैन गो एब्रॉड और इन एशियन मार्केट और यूके यूएस वंस यू आर इन टू अ गुड कंपनी आप एक अच्छी कंपनी में जाते हो कंपनी को लगता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा है आपको भेजना है तो कंपनी आपको अपने पैसे पर भेजेगा

ठीक है उस छह घंटे में क्या आएगा मैं आपको बताता हूं एक से दो घंटा आपका कॉलेज का पढ़ाई आ गया बाकी चार घंटा आपको इस कोर्स को देना है एंड ये आपको ऐसा नहीं है आपको छह महीने साल भर करना है ये चीज ऐसा है जो आपको छ साल तक करना है ठीक है तो ये सबसे पहला चीज होता है दूसरा हो गया आपको पेशेंस होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी कोई चीजों से गुस्सा हो जाते हो नहीं होता है क्लियर तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो तो वैसा नहीं है ऑन एवरेज यू कैन सी वन टू टू फेलियर्स मिनिमम मिनिमम आई एम टेलिंग यू जर्नी ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो या फिर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा सिचुएशन ऐसा होगा कि आप मान लो सुबह नौ बजे काम के लिए जा रहे हो आप रात के नौ बजे आ रहे हो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा तो वैसा भी सिचुएशन होता है या फिर आपके घर में कुछ ऐसा पर्सनल हो जाता है आप पेपर नहीं दे पा रहे हो तो यू शुड भी पेशेंट सीढ़ी है जो आप चढ़ते हो तेरह तेरह स्टेप्स है ठीक है तो वो चीज है उसके बाद आपका मैथमेटिक्स स्ट्रोंग होना चाहिए मैं किसी को भी ज्यादा करके लेता भी नहीं हूं बट अगर आपके इलेवन एंड ट्वेल्व में प्योर मैथ्स है मैथ्स एक ऐसा चीज है जो आपको अच्छा लगता है करके आपका ऐसा है कि आप कर सकते हो उसको आने वाले छह सात साल तो वो चीज आप कर सकते हो आपको थोड़ा फाइनेंस साइड में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको थोड़ा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि आप चीजों को अलग तरीके से देखते हो यू 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 बेसिकली क्वेश्चन थिंग्स आउट फॉर यू यू गो टू अ बैंक एंड इफ दे से द इंटरेस्ट रेट फॉर लोन इज अगर मान लो बैंक किसी को देता है पैसा तो वो चौदह परसेंट पे देता है और अगर किसी से लेता है पैसा तो मान लो वो आठ परसेंट पे लेता है तो आपको ये चीज कीन इंटरेस्ट होना चाहिए कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड बेसिकली तो वो अगर आपके अंदर में है आपको ऐसा लगता है कि आ, मेरे अंदर वो पेशेंस है मैं कर सकती हूँ हार्डवर्क तो डेफिनेटली है ही है तो ये सारी चीजें ही हैं एंड कुछ आपको ऐसा पढ़ने का मन है जिसमें कॉन्सेप्चुअल हो मतलब आपको समझ में आ रहा हो पढ़ के ऐसा नहीं है कि आप खाली रट्टा लगाए जा रहे हो जैसे सी में क्या होता है रफली आ, बहुत सारी चीजें बुक्स लॉ वगैरह ऐसी होती है जो आपको प्रोविजन है मगअप करना पड़ता है बट इसमें बहुत कम है वो चीज ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है बट बहुत कम है आज जो मैनुअल वर्क जो है वो आपको टेबल बुक दिया रहता है इट्स टू हंड्रेड पेज बुक जो आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो एंड उसमें सारे फॉर्मुलाथ कॉमर्स प्लस मैथ ट्वेल्थ जो सी ए फाउंडेशन सी ए फाउंडेशन ये सी ए फाउंडेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ठीक है

बिकॉज दैट इज अ प्री रिक्वेट ओके सो एसेट के लिए कोई चार्ज नहीं है अगर आप कोई पेपर के लिए रजिस्टर करते हो तो हमारे साथ में अगर आप खाली एसेट लेते हो ट्रेनिंग फॉर द पेपर तो आपके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है एसेट का ठीक है सो दैट इज वॉट बी प्रमोट सर एक्चुअली आई एम ऑलरेडी स्टडींग एक्चुरियल साइंस डिग्री कोर्स फ्रॉम जलगांव नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ओके वो मुझे थोड़ा सा डाउट था असेट में ही क्योंकि मैं को देना था डेढ़ साल से बट मैं डर रही हूँ देने के लिए ऐसा कुछ नहीं आप ट्रेनिंग लेके दोगे आपको पूरा चीज अच्छे से ही करवाया जाएगा इस सेट में तो जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं जो लाइव क्लासेस हैं जो मटेरियल्स हैं दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर एसेट इस के लिए वंदिता तर... मैम का रेफर कर रही हूँ <laughs> यूट्यूब से तो थोड़ा समझ आ रहा है तो फिर

विच कंप्यूटर कोर्सेज शुड आई परस्यू अमन मनियर अभी पहले तुम उस पर फोकस करो अपने इलेवन फोकस करो उसके बाद तुम के बारे में सोचना बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप ऑफिस सीख सकते हो जो इलेवन ट आप कोडिंग थोड़ा बहुत सीख सकते हो ठीक computer कंप्यूटर एप्लीकेशन uh, okay, maths, yes, maths, eco, computer is what I need. बाकी सब ठीक है कुछ भी ले लो वट इज द लोकेशन आई विर तनुष्ट्री आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेनाट इज एग्जामिनेशन प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस वरुणी जैसा की मैंने आपको यहां पर दिखाया है तो इट गोज लाइक दिस जो आपके सी एम सी एस के एग्जाम होते हैं उनमें आपका दो एग्जाम होता है ठीक है तो जो पहला एग्जाम होता है दैट इज पेपर ए दैट इज रिटर्न एंड जो दूसरा एग्जाम होता है पेपर बी जैसे मान लो अगर आप सी एम वन या फिर सी एम टू देते हो तो वो एक्सेल पर होता है एंड अगर आप सी एस वन और सी एस टू देते हो तो वो आपका आर पे होता है उसके बाद आपका जो सी बी वन टू है थ्री नहीं सी बी वन टू है ये इसमें खाली एक ही एग्जाम होता है ठीक है अगेन सीपी टू आपका एमएस एक्सेल पे होगा और इसमें थोड़ा बहुत आपको वर्ड का भी यूज लगता है सीपी थ्री आपका एमएस वर्ड पे होता है ठीक है ये आपका नॉर्मल 200 नंबर का एग्जाम है ठीक है तो इस तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस है तो वो चीज है एंड द बेस्ट थिंग इज कि अभी जैसे कोविड के वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन के डेट हिले बट एक्चुअली एक ऐसा एग्जाम था जो पूरा कंटिन्यू किया है अभी आपके एग्जाम्स घर से हो रहे हैं जब तक कोविड चल रहा है एंड देन शिफ्टिंग टू द सेंटर वाला थिंग ओके okay?

छह महीना हो सकता है वेटिंग करना पड़े अगर आप अपना जो प्रोफाइल अगर आप डिसाइड करके चल रहे हैं कि आपको मेरे को इसी में काम करना है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े तीन महीना दो महीना हो सकता है आपको एक बार में मिल जाए ठीक like, like, like. है सर तो मतलब दूसरा वाला मतलब अगर मिल रहे तो डेफिनेटली आप लोग है ना आप मना नहीं करोगे उसको लेने के बाद में आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे आप खोजते रहोगे जब तक आपको आपका वाला चीज नहीं मिल जाते बताऊं तो हर एक एम का सपना होता है कि वो आई एम से करे और हर एक आई वाले का सपना होता है कि वो मैकेंजी बॉस्टन बेन में जाए लेकिन वो सबका सबको मिलता नहीं है वो वही चीज है ठीक है एक्सक्यूज मी सर यस सर एक्चुअली अभी आप बोले कि कोविड uh, के वजह से अभी ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं बट आई हैव हर्ड दैट देर नो वे प्लानिंग टू गो ऑफलाइन एग्जाम्स देखिए देखिए इसमें अभी तक उन्होंने कोई भी नोटिस इशू नहीं किया है है ठीक अभी व्हाट दे आर सेइंग इज जब तक कोविड का पीरियड है तब तक दे विल बी डूइंग इट ऑनलाइन दिस इज द नोटिस ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ऑनलाइन हो गए देयर इज नो नोटिस एज सच ठीक है तो डेफिनेटली द इंस्टीट्यूट विल बी टेकिंग जो मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन है एक, एक इतना अच्छा रेप्यूटेड बॉडी है तो उससे मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है ना आई फील इज डेफिनेटली वंस थिंग्स सेटल बैक टू नॉर्मल दे विल बी द ऑफलाइन थिंग बिकॉज एग्जामिनेशन का मजा तभी है ठीक है तो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपल्सरिली करी दी है एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड इज फॉर एग्जाम्पल दो साल तक ऐसे ही चलता है ऑन एंड ऑफ चलता है एक फेज आ रहा है फिर नहीं हो रहा है तो इवन इफ डेट पे हैव टेकन सो स्ट्रिक्ट आप एक वर्ड भी किसी भी अपने कलीग से कॉपी नहीं कर सकते उनका जो प्लेगरिज्म का जो सॉफ्टवेयर है इट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सो इट इज एक वैलेंट आप रूम में अकेले बैठ के एग्जाम दे रहे हो ठीक है एंड दे कि वो ओपन बुक एग्जाम होगा बट वो बुक्स ज्यादा काम नहीं आते एग्जाम में ठीक है इट्स ऑल बेस्ड अगर आपने टाइप के प्रैक्टिस किए होंगे तो ही आप आपको कहीं कही जाना नहीं होता इनके हर एक जगह पे सेंटर्स है जितने भी सारे मेजर सिटीज है इनका ऑलमोस्ट सब जगह पे सेंटर्स रहता है ठीक है आपको ऐसा नहीं कि ब्रॉड जाके एग्जाम देना है ठीक है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है इनके ऑलमोस्ट सब जगह पे इनके वो रहते हैं सेंटर्स ओके सो यस नेक्स्ट इज आई हैव ऑलरेडी मेंशन फॉर ट्रेनिंग दिस इज ओके सर आई डाउट यस सर जैसे कि मैं, मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है और बाकी जगहों पे भी देखा है तो वहाँ पे जो पहले सात पेपर है उनकी कोचिंग अवेलेबल है उसके जो बात के हायर हायर है उनकी कोचिंग नहीं होती है नहीं नहीं, 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 नहीं कोचिंग नहीं, है एक्चुअली वो वेबसाइट पे भी हम लोग अपडेशन कर रहे हैं जैसे जैसे कि एक हार्ड पेपर है उसकी नहीं मैं आपको बताता हूँ देखिये जो सी और जो सी है ये दोनों का वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग सिंस

एस पी फाइव के लिए एसपी टू के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल मतलब इसका पॉइंट ये है कि इसमें आप जो बोल रहे हो ना सीपीफिकल्टीपी वन डिफिकल्टीपी वन लेंदी है आप समझ रहे हो आपको ऐसा नहीं पढ़ के लगेगा कि आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है यू नीड कंसिस्टेंसी इन दैट इट्स प्लेन टेक्सट इट्स प्लेन टेक्स्ट आपको वो चीज को दिमाग में डाल के उसको एग्जाम में अप्लाई करना है ठीक है एंड फॉर दैट वी आर हैविंग करेंटली स्टडी सपोर्ट सेशंस एंड डेफिनेटली वील बी लॉन्चिंग आवर शॉर्ट टर्म कोर्सेस फॉर पेपर्स लाइक एसपी5 सीपी सीपी1 एंड सो ऑन ओके ओके सर दिस सेल्फ स्टडी रिकमेंडेड फॉर एक्चुअल कोर्स अक्षत व्हाट आई विल रिकमेंड इज डेफिनेटली यू कैन डू सेल्फ स्टडी बट फॉर पेपर्स लाइक सीएम1 सीएम2 सीएस1 सीएस2 take training so that your dev you develop a good analytical mindset for the rest of the papers cm1 cm2 cs1 cs2 at least aapko training ke sath karna chahiye sir you said that pure maths is necessary for actuaries science but in my 11th elementary commerce applied maths is uh, i need to check the syllabus aditya what is applied maths if you are having good amount of calculus logarithm uh, matrices then it's completely okay it's it's not a problem देर इज नो डिफरेंस इन आपका अपॉर्चुनिटीजियम से clear है आपका से clear है ठीक है? तो, है, है? तो एक और जो बात है इसमें वो ये है कि कुछ कुछ मतलब मान लो आउट ऑफ हंड्रेड एम्प्लॉयर्स आउट ऑफ हंड्रेड एम्प्लॉयर्स ऐसा हो सकता है आउट ऑफ हंड्रेड एम्प्लॉयर्स ऐसा हो सकता है कि पांच या फिर छह ऐसा बोले कि मेरे को सिर्फ आई ही चाहिए मेरे को सिर्फ आई ही चाहिए तो ये एक एक एक्सेप्शन हुआ ठीक है बट मोस्टली दे डोंट देफरेंशिएट कि आपने कहा से किया इंटरव्यू में आपको पूरा ग्रिल किया जाएगा टेक्निकल में HR में ठीक है तो वो सब आपको अच्छे से आंसर करना पड़ेगा सर इज इट कंपल्सरी टू बाय स्टडी मटेरियल अंडर नो रुचि इट्स नॉट कमसरी टू बाय द स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ uh, मतलब ट्रेनिंग लेना है विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द मटेरियल्स एंड एवरीथिंग

Yes, is saying, sir, do you provide class 12 maths coaching? You need to connect in WhatsApp. Where will you post the recording of this session? We will not be posting this recording because it's a one-to-one -one session that I'm talking, okay? there so is is it okay if I pursue B stat from ISI after 12th and then Sahili Mitra, it's a very, very, very good thing if you're doing it from ISI. But once you get into ISI, like uh, it's a very good thing if you're doing actual science. It's very good. Sir, is there any negative marking in asset No negative marking in Actual or asset which should be my first paper. If I have science background, you can go for CS1 Avinash if you're having science background. And if you're having a little bit knowledge about statistics or CM1 is also comfortable. Okay. Sir, coding, what, HTML? No, no, no. Coding means uh, for tanushri what I will recommend is you can do uh, like uh, Python, you can learn, you can learn R programming. Okay. These all are, uh, coding softwares that are applied in job you can learn SQL okay so yes so sir I have chosen maths and stats and commerce I hear economics is course of no it's not that anjan it's not that that uh, uh, maths and stats are uh, like economics is not the course e economics is not the core there is only one paper in which you are having economics which is Cb2 so CB2 is business economics. इसी में खाली आपको इको मिलेगा ऐसा नहीं कि सब में इको है गलत बात है ये ठीक है हाँ इकोनॉमिक्स का बेसिक्स आपको चाहिए होगा बट वो चीज नहीं है कि इकोनॉमिक्स कोर नहीं है इसका जो कोर है वो है स्टेटिस्टिक्स ओके स्टेटिस्टिक्स है एंड जो रियल लाइफ चीज आप बिल्डअप करते हो तो स्टेटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए जो हम लोग आपको सी में सिखाते हैं ठीक है इको है मैथ है स्टैट है फाइनेंस है बैंकिंग है इंश्योरेंस है ठीक है

so you can connect me in whatsapp after the session uh, sir you used to prefer to go for top college in your undergraduate but sir i have not good marks in class 12 then can i do my undergraduate in bsc maths yes definitely dekho agar aapke paas marks nahi hai to to koi option nahi hai na lekin agar marks hai to main aapko bol raha hu aaj jaise bahut sare bachcho ka aisa rehta hai ki srcc mein bcom ya fir आपका कोई एक normal college में इको ऑनर्स तो मैं एसआरसीसी का B.Com choose करूंगा मैं उस टाइप के लोगों का बात कर रहा हूं ठीक है Uh, बकवास है ओवर क्वालिफाइडर क्वालिफाइड जैसे अपने टर्मिनोलॉजी मैंने हमेशा प्रमोट किया है जितना करो, और अगर छह सात हो जाए ग्रेजुएशन तक तो आगे के पेपर्स का पढ़ के रखो मैंने हमेशा यही चीज प्रमोट किया है कि आप जब से जितना एक्यूरेटली एंड जितना अच्छे से आप पूरा कोर्स खत्म कर पाओ एक सबसे कम से कम टाइम में तो ये ओवर क्वालिफाइड अंडर क्वालिफाइड सब बकवास चीज है ऐसा कोई टर्म नहीं है आज जैसे मान भी लो आज जैसे मान भी लो तुम सौ घंटा बिताता है ठीक है पांच घंटा तुम्हारा अगर गलत चला भी जाए तो तुम क्या इसके बारे में सोचेगा ना नाइनटी फाइव अच्छा मोमेंट्स के बारे में सोचेगा? तो ऐसे ही होता है सौ कंपनी हायर करने के लिए अगर पांच कंपनी तुमको यह बोलता है कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो तो दे दो बाकी नाइन्टी फाइव तो है तो फिर पासिंग मार्क्स आर रफली इज़ द पासिंग मार्क ठीक है सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं हम लोग एक और सेशन करेंगे जिसमें आप लोग सब अपने एक हफ्ते के बाद रखेंगे जैसे आज आपका थर्टीएथ है तो फेब्रवरी फोर्टीन को तो नहीं रखूंगा वेलेंटाइंस डे है तो उसके थोड़ा आसपास में ही रखूंगा तो हम लोग सब फिर से मिलेंगे एक दो हफ्ते के बाद में फॉर द सेशन तो आप लोग को अपना करियर का जो पूरा चीज है उसको आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सोच के एंड देन यू कैन टेक अप योर फर्स्ट स्टेप तो आज के लिए हम लो लोग इतना ही रखते हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड अगर आपको और कोई भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं थैंक यू सो डेफिनेटली आई विल कीपिंग आई विल ओनली थैंक यू सर थैंक यू सर